हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल मैं भी अच्छी हूँ, अच्छी कुछ ज़्यादा नहीं, बस हाँ थोड़ा सा ठीक ठाक हूँ। अभी जो कुछ भी यूट्यूब पे चल रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब यार परेशान है। चीज़ों को देख के डर लग रहा है कि पता नहीं अब अगला अगली क्या देखने को। यूट्यूब खोलते हैं ना तो अंदर से डर सा रहता है कि मतलब अब की क्या मिलेगा हमको, अब की क्या चीज़ मिलेगी देखने को, अब कुछ गलत तो नहीं हो गया, अब किसी ने कुछ कर तो, मतलब जान ना एकदम से सब लोगों की अटकी ही पड़ी है, मेरी नहीं। खैर छोड़िए, मैं अब उस टॉपिक पे बात नहीं कर रही। मैं आज कुछ अलग रिएक्शन लेकर आई हूँ, सपना का स्नैपी गर्ल। जैसे कि द रॉड चैनल का पता चल चुका है कि द रॉड चैनल किसके पास था। आप सबने मेरा टाइटल थंबनेल देख कर ही आए होंगे। द रॉड दोनों ननद भाभी में इस बात का कंट्रोवर्सी छिड़ चुका था बहुत दिन पहले ही, और बीच में कुछ चीज़ें शांत हो गई थी, लेकिन अब कल से फिर से ये स्टार्ट हो गया जब द रॉड चैनल पर वीडियो डाला। वीडियो किसने डाला, क्यों डाला, और डीपी भी चेंज कर दी, सपना का लगा दिया, बैनर भी चेंज कर दिया। मतलब कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है, कैसे सिर्फ किसी एक इंसान को गिराने के लिए इस हद तक कोई गिर सकता है, कभी सोचा नहीं था। खैर कोई ना, पर्दाफाश सबका होता है और झूठ ज़्यादा दिन टिकता नहीं, सच्चाई सामने आनी होती है और वो आ ही गई। तो अब तुमको इस चीज़ से कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सपना ने लीगल की बात बोली है तो वो लीगल जाएगी और जो सजा होगी वो मिलकर रहेगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। जो भी मेरे चैनल पर न्यू हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बात कर रही हूँ द रॉड की। जैसे कि पहले से यहाँ पर हुआ था कि द रॉड किसके पास है, अंशु ने लिया नहीं था और सपना ने दे दिया था। बात यह थी कि फिर बीच से बीच आखिर चैनल गया कहाँ, उसको ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया, कहाँ गया वो चैनल, किसके पास गया। अंशु साहब झुटलाती है मेरे पास नहीं, उधर से साहब सपना इनकार करती है मेरे पास नहीं है। ऑडियंस दबाव डालती थी, सपना की बच्चियों का हक है, दे दो दे दो दे दो, तब तो ये मामला शांत हो गया। कल फिर से ये चीज़ ओपन हुई जब द रॉड चैनल पर वीडियो आया और उसमें अंशु थी। हालांकि वो वीडियो कुछ पुराना सा लग रहा था, क्योंकि वो जैरी के टाइम का वीडियो था तो वो पुराना वीडियो था, उसमें अंशु भी साथ थी, जो कि अंशु अभी वहाँ नहीं रहती, और उसमें वॉइस किसी की भी नहीं थी, पता ही नहीं चल रहा था कि वीडियो किसने शूट किया था क्या था। वीडियो की स्टार्टिंग में साफ साफ लिखा था कि मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ और मैं अपने भाई की मेहनत को बहुत आगे लेकर जाऊँगा। कौन हो सकता है, कुछ लोगों का सोचना कि अंशु ऐसे बोलती है, और अंशु भी लाल पीली हो गई इस बात पर, भाभी बहुत हो गया, अब आप करना क्या चाहती हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था आप इस हद तक गिर जाओगी, मैंने आपको पहले ही माफ़ कर दिया था। मतलब अंशु अब इतनी बड़ी हो गई कि अब वो अपनी भाभी को माफ़ करना जान गई है कि मैंने आपको पहले ही माफ़ कर दिया था, आप फिर से खेल खेल रही हैं, मुझसे चाहती क्या हैं आप, मेरे लिए हमेशा ऐसी परिस्थिति पैदा कर देती हैं, जियो मरो। मतलब अंशु एकदम से बहुत ही, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे अंशु ने नहीं लिखा हो, बट कोई ना, वक्त के साथ सब बदलते हैं, शायद वो भी बदल गई होगी। उसको लगा कि भाभी के पास चैनल है और मुझे बुरा दिखाना चाह रही हैं, लेकिन उसमें लिखा था मैं अपने परिवार के साथ हमेशा रहता हूँ, मैं अपने भाई की मेहनत को बहुत आगे लेकर जाऊँगा। जब अंशु की तरफ से ना आ गया तो सवाल ये पैदा हुआ कि वो किसका, किसने डाला था, क्या राजवीर भाई, क्योंकि मेहनत तो शुरुआत में सूरज भैया की थी, क्या राजवीर भैया बीच से बीच चैनल को ले गए, अंशु सपना ने दिया, अंशु ने लिया नहीं, बीच से बीच राजवीर भैया ने उड़ा लिया और वो अपने परिवार के साथ हमेशा रह रहे हैं और अपने बड़े भैया की मेहनत को आगे लेकर जाएंगे, हैं यह हुआ। उसके बाद सपना लाइव आती है, सारा प्रूफ रखती है, सारा सबूत रखती है, इस सपना अपना आईडी पासवर्ड सारा चीज़ दिखाती है और लॉगिन करने की कोशिश करती है, बट उसमें दो नंबर लगे रहते हैं, जो एक नंबर सपना के ससुर का है और एक नंबर अंशु का है। अगर वो सपना लॉगिन करने की कोशिश कर रही है तो ओटीपी दोनों लोगों के पास जा रहा है, ओटीपी दोनों लोगों के पास जा रहा है, तो फिर
सपना तो इसको लॉगिंग नहीं कर सकती, सपना के पास तो चैनल हो नहीं सकता। अगर अंकल आंटी के पास है तो वो लोग वीडियो नहीं डालते, वो लोग चैनल का करेंगे क्या? अचार तो कोई डालेगा नहीं उसका, जाहिर सी बात है वीडियो अपलोड होंगी तभी तो लिया होगा किसी ने, काम करने के लिए पैसा कमाने के लिए लिया होगा। अंशु के पास है तो अंशु झुठला क्यों रही है फिर, ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि आज नहीं तो कल नहीं, परसों नहीं तो तरसों वीडियो तो डालेगी, पता तो चलेगा, ऑडियंस फिर क्या छोड़ देगी? ऑडियंस नहीं ना, तो अंशु भी इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगी। अंशु ने भी सारा कुछ दिखा दिया, मेरे पास नहीं है, सपना ने भी दिखा दिया। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, चैनल किसके पास है? सुबह सुबह चैनल का डीपी चेंज होता है, चैनल का बैनर भी चेंज होता है, लगाया किसका जाता है? सपना का। उस चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो अपलोड होता है करवा चौथ का राजवीर भैया के साथ, और उसमें भी सपना, मतलब हर तरह से चैनल में सपना को दिखाया जा रहा है कि ये चैनल सपना के पास है, सपना को बुरा बनाया जा रहा है सपना का वीडियो डाल के। हालांकि जो कल वाला लॉन्ग वीडियो था वो डिलीट हो चुका, वो हट गया वीडियो, लेकिन आज शॉर्ट डाल दिया। सपना ने भी लंबा चौड़ा कम्युनिटी छाप दिया कि बहुत लीगल लीगल खेलने को शौक है ना तेरे को अंशु, अब जाऊंगी मैं लीगल, अब बहुत हो गया, अब तक मैं बच्ची बच्ची जान की माफ छोड़ती आ रही थी, तूने तो बच्ची बनकर मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी। सोचने वाली बात अब ये है कि अंशु के पास नहीं, सपना के पास नहीं, दोनों लोगों की लास्ट टाइम जब सपना की मुलाकात अंशु से हुई थी तो अंशु, सपना ने आकर अंशु के पापा को चैलेंज किया था कि अंशु मेरी बेटी है, वो मेरे साथ रहेगी, उसकी शादी हो जाएगी, तब फिर आप रोक कर दिखा देना, अंशु को आप मेरे से दूर नहीं कर सकते, मतलब ऐसा ही कुछ बहुत कुछ चैलेंज टाइप में सपना ने दिया था। तब से अंशु धीरे धीरे सपना से दूर होना स्टार्ट हो गई। अंशु को इतना भड़काया जा रहा, इतना उसका कान भरा गया कि मतलब इतनी साजिश की गई उस चैनल के माध्यम से कि इन दोनों को पूरी तरह से अलग कर दिया गया, दुश्मनी वो कर्री वाली दुश्मनी वाली इनके लिए हालात पैदा कर दिए, दोनों लोगों में दुश्मनी हो गई, वो उसको अभी ये ननद भाभी एक दूसरे के ऊपर ही लीगल जाएंगी, कभी सोचा था ऐसा होगा? नहीं ना। और जो भी ये कर रहा है ना, बहुत घटिया कर रहा है, बहुत घटिया। मेरे को पता है ये कौन कर रहा है, मेरे को पता है, शायद अभी मेरा नाम लेना यहाँ पे ओपन सही नहीं रहेगा, इसलिए मैं अभी नाम तो नहीं लेना चाह रही, लेकिन आप लोगों को भी बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि चैनल किसके पास होगा। मैं नहीं कहती चैनल अंशु के पास है, नहीं, उसके पास भी नहीं है, उसकी बच्ची की भी कोई गलती नहीं, उसको भी भड़काया जा रहा है। जब उसको लग रहा है भाभी ऐसे ऐसे बोल रही तो जाहिर सी बात है वो भी गुस्सा करेगी, क्योंकि चैनल उसके पास नहीं है, चैनल सपना के पास भी नहीं है, चैनल सपना के पास भी नहीं है, चैनल किसी थर्ड इंसान के पास है, किसी थर्ड पर्सन के पास है जो अभी उनका बेटा बना हुआ आगे पीछे घूम रहे हैं, बेटा बने हुए, अंकल आंटी ये, अंकल आंटी वो हो सकता है ना, हो सकता है, क्योंकि मैं अपने भाई की मेहनत को आगे लेकर जाऊंगा, मैं हमेशा साथ रहता हूँ, ये पहले शब्द किसके थे कि मैं हमेशा साथ रहता हूँ? राजवी भैया तो नहीं आ गए होंगे, हैं क्या दिखाना चाहते हैं कि राजवी भैया ने लिख दिया वो वीडियो, राजवी भैया ने अपलोड कर दिया? कितनी अच्छी साजिश चली है दोनों ननद भाभी को तोड़ने की। सपना ने जो पिछला वीडियो में खुलासा किया था कि ससुर मेरे पे गंदी नज़र रखता है, गंदी नीयत रखता है, गंदे तरीके से टॉर्च करता है, उसके बाद सपना और भी ज़्यादा बुरी लगने लगी, और ये सारी चीज़ों की बहुत ही तगड़ी साजिश प्लानिंग के साथ सपना को बुरा गंदा दिखाने की कोशिश की जा रही है। और सपना ने फैसला ले लिया है कि वो लीगल जाएगी कि भाई चैनल बर्बाद हो रहा है। सपना ने कल सीधे सीधे बोल दिया था कि चैनल तुझे नहीं चाहिए, वापस कर दे मेरी बेटियों का, मेरी बेटियों का चैनल, भाई उनके बापों की मेहनत थी, उनके बाप की मेहनत थी, वापस कर दो, चाहे राज भैया की मेहनत हो चाहे सूरज भैया की मेहनत हो, सब ने उस पर मेहनत की, वापस कर दो। सब सब बोल दिया अंशु ने, वो सपना ने कि हाँ दे दो चैनल, वापस कर दो मेरी बेटियों का, बट उसके पास नहीं है, वो भी अपनी तरफ से सारी चीज़ें रख रही है, क्लियर कर रही है। तो आप लोग बताइए कि चैनल किसके पास है, या जो मैं सोच रही हूँ वो भी आप लोग ही सोच रहे क्या? तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, जो भी चैनल पर नहीं हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
और मिलती है ऐसी किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।